मैं डॉक्टर आलोक जी अग्रवाल, मैं MBBS MS ऑर्थोपेडिक्स येचू से हूँ और मैं हड्डी जोड़ गठिया नस के रोग स्पाइन इन सब चीजों का मैं स्पेशलिस्ट हूँ। उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में जहाँ सुभाषपा महासचिव अरविंद राजभर का बयान, राहुल अखिलेश की जोड़ी यूपी में कुछ कमाल नहीं कर पाएगी, सुभाषपा NDA को सभी 80 सीटें जितवाएगी, हम सभी 80 सीटें NDA को जितवा कर अखिलेश यादव से अंडा बिकवाएंगे। अखिलेश यादव कंफ्यूज है, उन्हें 3 इडियट पिक्चर देखनी चाहिए। पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द कर सरकार ने ठीक किया, बसपा का संगठन काम नहीं कर रहा तो उसके लोग टूट रहे हैं। महाराज सुहेलदेव जयंती को संबोधित करने पहुंचे थे अरविंद राजभर। अनौनी गांव में सुभाषपा ने मनाई महाराजा सुहेलदेव जयंती, देखिए पूरी रिपोर्ट। देखिए, ये हर साल की तरह इस साल भी चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का 1015वीं जयंती और ये जयंती का कार्यक्रम लगातार 11 फरवरी से लगातार चल रहा है। अभी मैं कल चंडीगढ़ में अपने कार्यक्रम को संबोधित किया सुहेलदेव जयंती के कार्यक्रम को, और सीधे कार्यक्रम करते हुए मैं सीधे यहाँ गाजीपुर की इस धरती पर आया हूँ। तो आज का जो मूल कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम का जो मूल प्रस्तावना थी वो थी राजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती, क्योंकि कहा जाता है कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने बड़े बुजुर्गों की कदर नहीं करता, वो समाज इस देश में कभी तरक्की नहीं कर सकता। लोगों के द्वारा भी कहा गया है कि जिसका इतिहास नहीं होता उसका विकास नहीं होता। आज भी इस धरती पर ऐसी ऐसी जातियाँ हैं जिनका गौरवमय इतिहास है, लेकिन उसके इतिहास को न तो लिखा गया, न तो पढ़ाया गया, न तो बताया गया। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को भी हम लोग लामबंद कर रहे हैं कि जो जिनके इतिहास को दबा दिया गया, जिनके इतिहास को इतिहास के पन्नों में नहीं लाया गया, ऐसे लोगों को जगाया जाए और जगा करके उनको आगे बढ़ने का अवसर दिया जाए और उनको बताया भी जाए। पिछले दिनों पुलिस भर्ती निरस्त की गई, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, स्वाभाविक तौर पर है, देखिए ये होना भी चाहिए था, क्योंकि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है कि कोई भी एग्जामिनेशन हो, कोई भी एग्जाम हो, उसको साफ सुथरी तरीके से कराया जाए। सरकार ने पाया कि UPP के जो एग्जाम पेपर थे वो व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत तेजी से वायरल हो रहे थे, तो हम लोग भी इच्छा थी कि इससे बहुत सारे बच्चे इस अवसर से कहीं ना कहीं वंचित रह जाते और धांधली होती, तो इसलिए मुख्यमंत्री जी को भी हम लोगों ने पत्राचार के माध्यम से अवगत कराया था कि इस एग्जामिनेशन को निरस्त करते हुए फिर से सुचारू रूप से समय लेकर के इस UPP की भर्ती को संचालित किया जाए। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की टोली कितना कमाल कर पाएगी? कुछ नहीं कमाल कर पाएगी, वो 22 में हम लोग थे साथ में इसलिए कमाल कर दिए। आप पहले से भी सुन रहे हैं हम लोगों की बाइट को कि 80 की 80 सीट हम लोग इस बार जीतेंगे। 72 सीट तो भाजपा जीत रही है और 8 सीटों पर लड़ाई चल रही है, वो 8 सीटें जब तक हम लोग आ गए उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में, वो 8 सीटें जीत करके इस बार अखिलेश यादव जी को अंडा बेचवाएंगे। BSP में लगातार टूट हो रही है, क्या कहना चाहिए? BSP में उनके संगठन स्वाभाविक तौर पर है, जब संगठन काम नहीं करेगा तो लोग बैठ के थोड़ी मजा लेंगे वहाँ पर, और उनके लोग तो हम लोगों की पार्टी से संपर्क में है, बहुत सारे लोग BSP के लोग ज्वाइन कर रहे हैं। अभी 29 तारीख को हम लोग सोनभद्र में बड़े पैमाने पर बहुजन समाज पार्टी के बड़े से छोटे नेता सभी लोग ज्वाइन करेंगे। ऐसा है कि पार्टी चलाने के लिए जमीन को उतरना पड़ता है, बहन मायावती जी नहीं कर पा रही हैं, तो उनके भी कार्यकर्ता पदाधिकारी इस चीज को देख रहे हैं, उनको जहां सम्मान मिल रहा है, जहां काम करने का अवसर मिल रहा है वहां जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने गाजीपुर से अफजाल अंसारी को टिकट दिया, अखिलेश के PDA का कितना असर पड़ेगा? कोई असर नहीं है, अखिलेश जी का PDA है कहाँ? अखिलेश जी तो कुछ ही कंफ्यूज है कि ये PDA किस चीज का है। अभी लखनऊ में उन्होंने अपना एक इंटरव्यू दिया कि PDA मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, जब बनारस में आके लोगों ने पूछ दिया कि आप सामान्य वर्ग के विरोधी हैं क्या, तो कहना ना PDA मतलब कि पिछड़ा दलित अगड़ा, फिर अल्पसंख्यक छूट गया, वो खुद ही कंफ्यूज है, उनको 3 इडियट पिक्चर देख लेना चाहिए था। धन्यवाद। 3 इडियट